मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो कई बार प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि उनके पास बुद्धि का अभाव है ना। ये तो आप मानेंगे नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। क्यों मानेंगे भाई? बुद्धि तो मोटे तौर पर लोगों में ठीक ठाक रहती है, ऐसा क्या है? तो बुद्धि का अभाव तो है नहीं। एक आध कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसकी रीजनिंग बहुत कमजोर है, मैथ्स बहुत कमजोर है, इसलिए उसी से कर नहीं पाता, उसकी बात अलग है। लेकिन जनरली आप में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इसलिए प्रीलिम्स पास नहीं कर पा रहा कि उसकी कैपेबिलिटीज में कमी है। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं, आपको भी नहीं मानना चाहिए। तो क्या वजह हो सकती है? एक वजह हो सकती है कि आपकी मेहनत में कमी है। मेरा ख्याल है कि ये वजह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों, पर मेरी समझ ये है कि जो बच्चे कमजोर बैकग्राउंड से होते हैं, और मोटे तौर पर ये कह सकता हूं मैं कि हिंदी माध्यम के या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती माध्यम के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के बच्चों की तुलना में सामान्यतः कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, और जो जितनी कमजोर पृष्ठभूमि से है उसमें मेहनत करने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है। ये जनरल ट्रेंड दुनिया भर में, इसलिए आप देखेंगे भारत के लोग अमेरिका जाके झंडे गाड़ देते हैं, क्योंकि वहां वो कमजोर है, तो वहां वो रात दिन मेहनत करते हैं जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, एकदम झंडे गाड़ देते हैं। मतलब ये भी है कि यहाँ के बेस्ट लोग वहां जाते हैं, वो भी एक पक्ष है इसके पीछे। तो ये वजह भी नहीं है कि आप क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहे। मेरी समझ ये है कि सफल ना होने की बेसिक वजह दो तीन है। एक तो है डिसिप्लिन, कि मेहनत करना लेकिन उसको डिसिप्लिन के साथ ना कर पाना। जैसे तीन दिन पढ़े तो ऐसा दशरथ मांझी की तरह पढ़े, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस भाव से पढ़े, और तीन दिन बाद सात दिन के लिए लेट गए एकदम, आराम करें। तीन दिन ज्यादा पढ़ लिए थे तो उसके बाद से दिमाग में चक्कर आ रहा है, तो वो ठीक करने के लिए सो रहे हैं। एक तो ये हो सकता है कि लगातार नहीं पढ़ पा रहे। दूसरा, मेहनत पर्याप्त नहीं होती ना, मेहनत से ज्यादा जरूरी है स्ट्रेटेजी। देखिए, अगर मेहनत करने से ही बात बनती है तो अगर पशुओं की तुलना की जाए तो गधे घोड़ों की जगह आसीन हो गए होते, पर गधे गधे ही रह के ज्यादा मेहनत करके भी, और घोड़े घोड़े ही है ना। बुरा मत मानिएगा इन शब्दों का, भाव समझिए कि सिर्फ मेहनत से नहीं होता है। कितनी मेहनत कहाँ करनी है, किस गति से, किस अनुपात में, किस त्वरा के साथ, किस त्वरा मतलब स्पीड के साथ करनी है, ये सब अगर गाइडेंस पूरी आपके पास हो, या तो स्ट्रेटेजी आप खुद बहुत अच्छी बनाने में माहिर हो। जैसे मैं जब विद्यार्थी था, मुझे ऐसा लगता था कि स्ट्रेटेजी बहुत आसान चीज़ है, इसमें क्या दिक्कत है, और मुझे कभी किसी की जरूरत पड़ी नहीं स्ट्रेटेजी बनाने में, क्योंकि सबका अपना अपना माइंड होता है। मेरा जो तरीका है सोचने का वो एल्गोरिथमिक ज़्यादा है, तो वो स्ट्रेटेजी बन जाती है आराम से, दिक्कत नहीं आती। हर व्यक्ति का वैसा नहीं होता, कुछ लोग क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, कुछ का अलग तरीके से दिमाग काम करता है, तो स्ट्रेटेजी में उतना दिमाग उनका नहीं लगता। तो या तो आप खुद बना लें, या कोई आपका साथ दे आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में और एग्जीक्यूट करने में, यही तरीका है। तो मैं स्ट्रेटेजी प्लस गाइडेंस एक साथ लिख देता हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि इस प्रोग्राम के पीछे हमारा मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, जैसे हम में से कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं, कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, और मैं अपनी क्लासेस में ये बात कई बार समझाता हूँ, किसी के कॉन्फिडेंस से किसी के व्यक्तित्व का आकलन नहीं करना चाहिए। चारों संभावनाएं, जबरदस्त व्यक्तित्व, जबरदस्त कॉन्फिडेंस, ये हो सकता है। जैसे मोदी जी, ये भी हो सकता है कि व्यक्तित्व जबरदस्त ना हो पर कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो। इसका एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, है ना। वैसे ही देश का माहौल ठीक नहीं, पता लगा इसी पे किसी ने मार दिया और कहा कि यूक्रेन से बम आया था। अभी तो यूक्रेन के नाम पे कुछ भी हो रहा है, सब्जी के रेट बढ़ गए हैं, लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन से सप्लाई नहीं आ रही है, इससे टमाटर महंगा हो गया है। अजीब हाल है, युद्ध का फायदा सब लोग अपने अपने तरीके से उठा लेते हैं। तीसरा, ये भी हो सकता है कि योग्यता ज्यादा हो पर कॉन्फिडेंस कम हो। और चौथा तो होता ही है, योग्यता भी कम, कॉन्फिडेंस भी कम।
वो तो खूब दिखता है। तो पहले मैं भी जब छोटा था आपकी तरह, जब मुझसे कोई बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता था ना कि मैं तो आईपीएस बन के बनूंगा, मैं डर जाता था कि ये तो बनी जाएगा, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। धीरे धीरे कई अनुभवों से मैंने सीखा कि बोलने पे नहीं जाना चाहिए, और अब तो उल्टा हो गया है। फिल्म्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, जब मुझे कोई बच्चा बोलता ना कि 70 ठीक है, मैं समझता हूँ 100 तो नहीं होगा। जब कोई कहता कि नेट स्कोर 140 प्लस आ रहा है, तो और मेरा अनुमान आमतौर पर ठीक निकलता है ऐसे मामलों में, नहीं ही होता है। फिर वो कई साल तक गीत गाते हैं कि गोला गलत भर दिया था, या रोल नंबर मैंने तो ठीक भरा था, जो इन्विजिलेटर था मुझे गुस्से में देख रहा था, उसने बाद में रोल नंबर चेंज कर दिया मेरा। ऐसी ऐसी बातें, इसी को गालिब कह गए हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो ख्यालों में रहिए, क्या दिक्कत है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप दरअसल कहां खड़े हैं। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय है, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं। पैर के नीचे जमीन है ही नहीं, खड़े हैं हवा में, और कॉन्फिडेंस ऐसा कि बाप रे बाप। तो याद रखना, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं, और कमाल है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं। ऐसा आपके साथ ना हो जाए। एक मैंने बड़ा अच्छा कार्टून देखा, एक फट्टा रखा हुआ है, बैलेंस किया हुआ, उस फट्टे पे आगे एक आदमी खड़ा है, एक पीछे खड़ा है, इसीलिए बैलेंस है, पीछे वाला आगे वाले को लात मार रहा है। तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, लात मारने से पहले अपना भी देख लो, है ना। कई बार जरूरी होता है कि हमें अपनी जमीन का आइडिया हो। तो हमें ऐसा लगता है कि यदि आपके पास एक साइंटिफिक फीडबैक सिस्टम हो, साइंटिफिक फीडबैक क्या होता है, सारा खेल इसी का है। अगर आपसे पूछे, कोई पूछे मेंटरशिप क्या है, तो बोलना साइंटिफिक फीडबैक मैकेनिज्म, मूल रूप से ये है। हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कौन से सेगमेंट में कितने अच्छे हैं, कहां कितने बुरे हैं। सब सेगमेंट, टॉपिक, सब टॉपिक, कंसेप्चुअल प्रश्नों में अच्छे हैं या फैक्चुअल में अच्छे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम ठीक कर रहे हैं पर बाकी लोगों की तुलना में टाइम ज्यादा ले रहे हैं। और जब हमें अपनी एक एक चीज, एक एक अच्छाई और बुराई का साइंटिफिक फीडबैक ना मिले, तो हम अंधेरे में तीर मारते रहते हैं। और इसी प्रोसेस में देखिए, प्रीलिम्स जो है ना, पढ़ाई का खेल है नहीं। दरअसल पढ़ाई तो एक पक्ष है, जिसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बेहतर है, प्रीलिम्स उसका निकलना बहुत आसान है। और जो स्ट्रेटेजी में कमजोर है, रणनीति में कमजोर है, उसका प्रीलिम्स निकलना बहुत मुश्किल काम है। बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि आपको अपनी तैयारी के एक एक पक्ष में साइंटिफिक फीडबैक मिल जाए, और साथ में एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको मेंटरशिप यानी कि मार्गदर्शन, साथी की भूमिका में आपके साथ खड़ा हो सके, जो आपसे सीनियर हो, जो उन चीजों से निकला हो जिनको आप झेल रहे हैं, और वो आपको बता पाए कि देखो इस चीज में दिक्कत है तो इसका ये समाधान है, ऐसे करो, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जा सके। अगर ये सब हो जाए, क्या होता है कि 2-4-5 नंबर से ही अटकते हैं हम लोग आमतौर पे। वो 5 नंबर की यात्रा बहुत मुश्किल नहीं है इस प्रोसेस में, और इस वजह से हमने इन सब चीजों को मिलाकर एक कंसेप्ट बनाया। हमारी एक बड़ी टीम, करोलबाग में कुछ लोग हैं, कुछ ही हमारी टीम है, सबने मिलकर प्लानिंग की, ताकि जो भी बेस्ट हो सकता है वो सारा यहाँ के बच्चों को मिले। और मैं अपनी इंग्लिश की टीम का भी शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों ने बड़ी हेल्प की है।